Hey guys, what is up? Welcome back to the channel. Welcome back to another vlog of Shroom's Lifestyle. बहुत दिनों बाद ये वाला फ्रेम आप लोगों को नजर में आ रहा है. We are here at Auto Shroom Kolkata and बहुत दिनों बाद आए. क्यों आए हैं? वो कल्पित ये है. कहाँ थे भाई? डिप्रेशन में? नहीं, तुम तो आते थे. हम आते नहीं थे. अच्छा जी, ठीक है, याद रखेंगे ये वाला जी. सो बताओ आज कौन सा गाड़ी दिखाने वाले. पहले उसके पहले फोन नंबर एड्रेस सब कुछ बताओ. मेरा जगह पे. अच्छा ठीक है, आज कौन सा गाड़ी शूट करने वाला है? क्या क्या डिटेल्स? आज हम लोग एक होंडा जैज शूट करने वाले हैं जिसका सेटअप ऑडियो सेटअप का आपने अपडेट किया है. ये गाड़ी हम लोग ने आज से 6-7 साल पहले ऑडियो सेटअप किया था. मेरे फादर ने किया था उस टाइम में. तो उसका सेटअप में उसका सिर्फ बूफर हम लोग ने रखा है और एम्प्स रखे हैं. बाकी स्पीकर मैंने थोड़ा अपग्रेड किया और वायरिंग इंस्टॉलेशन थोड़ी हाई एंड की है. सो दिस टाइम वी हैव डन सम इंटरनेशनल हाई एंड वायरिंग सेटअप जिससे आपका आउटपुट और भी अच्छा है. तो वायरिंग का ब्रांड का नाम कुछ नहीं, ये हम लोग का सीक्रेट है. ओके, तो ये हम लोग सबको बता नहीं सकते बिकॉज सब ब्रांड्स के वायरिंग यूज़ करते हैं और हम लोग थोड़ा हटके अलग यूज करते हैं. और अब से हम लोग ने थोड़ा वायरिंग ऑडियो सेटअप्स का थोड़ा अलग तरीके से हम लोग करना चाहते हैं और उसमें आउटपुट आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा. इवन इन सैंट्रो की वायरिंग फिर से पूरी खुल के वापस से नहीं से हुई है और थोड़ी अलग वे से हुई है. और अब अगर आप सैंट्रो के आउटपुट सुनोगे तो आपको और भी डिफरेंस समझ में आएगा. ओके, एंड स्पीकर कौन सा लगा हुआ है? इसमें थ्री वे, इसमें कंप्लीट एक्टिव सेटअप है. सो यू विल फाइंड अ थ्री वे फ्रंट एंड टू वे इन द रेयर कंपोनेंट एंड इसमें वूफर, डुअल वूफर P1 लगा हुआ है कंफर्ट का. ठीक है, तो भाई गाड़ी में ले जाके आप लोगों को सारे के सारे ब्रांड्स जो है हम लोग चेकआउट करवाएंगे. ऑब्वियसली ऑडियो समझाएंगे और भी थोड़ा बहुत एक्सेसरीज गाड़ी में लगा हुआ है वो भी दिखाएंगे. सो एंजॉय टिल द एंड एंड वॉच सम सिनेमैटिक शॉट्स राइट नाउ. Let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have. Believe. I'm gon' make it to the top. Cause I never stop. My own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. तो बड़ो भैया सामने से क्या क्या ये बता. सामने LEDs है, 110 वॉट हाई पावर की अपनी BRB वाली. ओके, फॉग लाइट में भी है. अपने एक जेल प्लेट्स लगे हुए हैं सामने, जर्मन प्लेट्स. नहीं नहीं, इसमें ऑडियो का काम. ठीक है, एम्बिएंट लाइट वगैरह भी नहीं है, जस्ट सिंपल ऑडियो के लिए अपनी गाड़ी चाहिए. ठीक है, ओके. अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट लग रहा है नीड फॉर स्पीड का टू वे एक्टिव सेटअप के लिए मेरे बेस के साथ स्पीकर्स. ओके, मेरी इडली है नीड फॉर स्पीड की. बाकी आप आउटपुट सुनो तो आपको समझ में आएगा क्या किया. ठीक है, साइड से चलते, थोड़ा बहुत एक्सेसरीज का काम भी हुआ है गाड़ी. साइड में थोड़ा बहुत हुआ है, जस्ट बेसिक सेटअप हुआ है. जैसे डोर गार्ड्स लगे हैं. ओके, सामने पीछे फिनिक्स के डोर गार्ड्स है कोरिया के. बैक लाइट में हम लोग ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, सिर्फ रिवर्स लाइट इसकी चेंज करी है और अपना स्पॉइलर लगाया अपने. पेंट हम लोग ने करवा के दिया हमको. ओके, एंड पीछे भी सेम नंबर प्लेट्स, वाइट लाइट्स ऑन द LEDs. फिल्म लगा है आई गेस. फिल्म लगा है इसमें, थोड़ा उसने लगाया है कुछ. ओके, फिल्म लगा हुआ है, 50% लगा हुआ है. एंड इसमें सब वूफर 10 साल पहले ये वूफर हम लोग ने इनको ला के दिया था जबकि पूरे कैलकाटा में माल नहीं था एंड ओनली ऑटो फिल्म भी प्रोवाइड दिस वूफर. तो आज के डेट में भी डिसकंटिन्यूड है, आपको मिलेगा रॉकफोर्ड फॉरगेस इट्स अ 10-year ओल्ड वूफर एंड इट्स रनिंग लाइक इन. देख लो भाई, P1 लेकिन डुओ है तो पूरा कस्टम एंक्लोजर के साथ में है. एंड जस्ट चेक दिस आउट, ये वूफर का बहुत नाम है. बहुत नाम है और बहुत डिमांड भी है आज के डेट में भी, बट यू वोंट फाइंड दिस रेडी इजीली. इसको आइडिया होगा कहाँ मिलता है, दे ओनली कैन सोर्स इट एंड इट्स पावर्ड विद अ मोनो पावर बस का मोनो एम्प. पावर बस का मोनो एम्प से ये वाला पूरा जो सेटअप है, उफ, ये वाला तो कान फाड़ देगा आज. एंड अंदर की तरह सीट कवर हुआ है आई गेस.
बहुत पहले लगाया था लेकिन देख लो भाई, देख सकते हो ये 10 साल हो गए उसको लगा, 10 साल उम्र वाला जो है सीट कवर लगा हुआ है। पीछे का लुक भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड ग्रास मैट्स वगैरह ये सब तो लगा है, स्टीयरिंग स्विच एंड ऑल। कौन सा स्टीरियो लगा हुआ है गाड़ी में? स्टीरियो इसमें पाइनियर का स्टीरियो हमने दिया हुआ था और ये स्टीरियो बहुत अच्छा स्टीरियो है, इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। प्लस इस स्टीरियो का एक फंक्शन है जो आपको सब स्टीरियोज में नहीं मिलते, वो है इसमें आप DSP कंट्रोल टीम RTA कर सकते हो। ये नया है या 10 साल पुराना? 10 साल पुराना भाई साहब। तो देख लो ये वाला जो स्टीरियो आता था पायनियर का, दिस वाज मतलब अपने आप से बहुत ही अच्छा है। एंड डैम्पिंग क्या क्या हुआ है गाड़ी में? तो ये बाय द वे F70BT है, ओके, स्टीरियो का मॉडल, ये बता दूं। एंड डैम्पिंग हम लोग ने सिर्फ 4 दरवाजे किए हैं, बिकी नहीं किया, कस्टमर वांटेड दैट वाइब्रेशन का साउंड, ओके, पंच T1 का वाइब्रेशन का साउंड नहीं आएगा तो मजा नहीं, ओके। डैम्पिंग कौन सा कंपनी का, कितना ले रखा है? इसमें CM का है, 12 शीट लगा है टोटल, देख सकते हो 4 दरवाजे में, ओके। गेट भी भारी हो गया का? बहुत ज्यादा भारी हो गया है गेट, इतना भारी नहीं होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, रियली गुड। बाकी आप आओ गाड़ी में, पहले ही गाड़ी में घुसते ही ये चीज जो है आप लोगों को नजर में जाएगा। एंड जस्ट चेक दिस आउट, बताओ ये सेटअप के बारे में कुछ बताओ। सो दिस कस्टमर हैड अ सेटअप पहले का किया हुआ, हम लोग ने जो ब्लास्ट किया था उसमें हम लोग ने 2-way सेटअप फ्रंट एंड रियर कंपोनेंट्स रॉकफोर्ड के दिए थे। एंड वूफर जो मैंने आपको बता दिया विच इज पावर्ड विद 4-channel लैंप ऑफ पावर बार्स। सो बेसिकली इसमें पुराना सेटअप जो हम लोग का था वो था 2-way कंपोनेंट सामने एंड पीछे रॉकफोर्ड का, विच वाज पावर्ड विद पावर बार्स का 4-channel लैंप, ओके, एंड वूफर का तो मैंने आपको बता दिया। तो अब जाके जब हम लोग ने नई वायरिंग शुरू की, जो हम लोग की हाई एंड वायरिंग सेटअप्स होती है, वो वायरिंग के लिए मैंने कस्टमर को खास बुलाया था कि आप एक बार आओ और वापस से रीवायरिंग कराओ। तो कस्टमर वाज लाइक कि आप रीवायरिंग कर ही रहे हो तो आप सामने 3-way कर दो, बिकॉज ही हर्ड माय सैंट्रो का 3-way, सो ही वाज वेरी हैप्पी, बट ही डिडंट वांट टू गो फॉर अ हाई एंड सेटअप ऑडिशन। तो मैंने बोला कि आप नीड फॉर स्पीड का ये वाला बहुत अच्छा वर्जन है, ये अराउंड आपका 12,000 के करीब आता है, तो आप ये लगा दो। तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज लाइक कि आपके ऊपर है भाई, leave everything on you and I know you can do it really right. So customer also didn't knew that इसमें आप DSP tuning कर सकते हो, okay. तो मैंने उसको बोला कि आपको मेरा setup जैसा चाहिए वैसा मैं आपको इसमें कर दूँगा। He was very happy. और अब मैंने वो setup ready कर दिया है, अब आप उसकी output सुनो, आपको समझ में आएगा कि किस level का आप output निकाल सकते हो when it comes to the real time good wiring. And 90% of dealers इन होल ऑफ इंडिया, मैं कैलकाटा भी नहीं बोलूंगा बिकॉज ये कंपनी के लोगों ने ही हम लोग को बताया और हम लोग को एक्चुअल समझ में आया, अगर आप वायरिंग की टेक्निक्स थोड़ी थोड़ी माइन्यूट टेक्निक्स चेंज कर देते हो और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ने ट्रेनिंग ली है, अगर वो आप करते हो तो रियली योर स्पीकर्स कैन गिव मच मच मोर बेटर आउटपुट जिसका होना चाहिए उसका। एब्सोल्युटली। एंड पीछे कौन सा स्पीकर रन कर रहा है? पीछे इनका रॉकफोर्ड का कंपोनेंट, रॉकफोर्ड का कंपोनेंट है एंड विद द ट्विटर, मैं आपको बड़ दिखा दूं, कस्टमर की टूट गई, ओके, लगा हुआ था एक्चुअली यहां ऊपर में, आप देख सकते हो ऊपर में छेदा है, हां तो वहां ऊपर कोने में ये लगा हुआ, हां कोना में, ओके, उसका पता नहीं कस्टमर का ये पॉड जो होता है ना, पॉड टूट गया था या कुछ हुआ था उसका, तो उसने बोला कि आप कैसे भी कस्टमाइज करके लगा लो एंड वी कस्टमाइज इट, दिस इज नॉट द थिंग ऑफ दिस, ओके, कस्टमाइज बाय अस, दैट फंक्शन भी ओके। सो नाउ बहुत लोगों को नहीं पता है कि 3-way सेटअप क्या होता है, तो ये वाला जो है आपका ट्विटर रहता है, दिस इज द मिड बेस एंड नीचे जो है आपका कंपोनेंट का मेन जो स्पीकर लगता है वो, इसमें जो आता है आपका बेस कंट्रोलर भी जो है आपका प्लेस किया हुआ है इधर पे, ओके। एंड हम लोग जो है ब्लोअर का स्पीड थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हवा का नॉइज आएगा, गाना चला दो भाई, आप अपने गाना ये हम लोग ने पूरा प्रॉपर ट्यूनिंग किया है, DSP को मेजरमेंट लिए किए, प्रॉपर क्रॉसओवर कटआउट भी मैंने ठीक से पूरे HPF LPF का कटआउट भी ठीक से डाले, आप अब सुनो तो आपको मजा आएगा, ओके। Let's go.
देख लो भाई। दिस इज द वाइब्रेशन, चेक दिस आउट। चारों दरवाजे डैम पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन डिक्की में जो है कान फट गए पहली बात तो। कितना परसेंट बेस था? 50% मतलब 100% दोगे तो भाई डिक्की का कांच टूट जाएगा। नहीं डिक्की पूरा जो वाइब्रेशन हो रहा था ना भाई, अलग लेवल अलग लेवल, अलग लेवल। तो डिक्की में डैम्पिंग जरूरत है, लेकिन जरूरत है ठीक है, कस्टमर को करना नहीं है तो एज पर रिक्वायरमेंट अपने ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एंड डोर जो है बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रहे थे डैम्पिंग की वजह से, वाइब्रेट नहीं हो रहे। प्लस इसके वोकल्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा है सबसे। ये प्लेस्ड है आप देखो, और इसकी वोकल्स इतने क्लियर है एंड फुल फ्रंट स्टेज के हिसाब से पूरा किया हुआ है। आप NFX तो अपने वीडियो में ये सुन सकते हैं, जब आप हाई एंड हाई रेंज ऑडियो आप सुनते हैं इस गाड़ी में। सीरियसली मैं सुबह से सुन रहा हूँ एंड आई हैव बीन वेरी हैप्पी टू डू दिस सेटअप, इट्स रियली नाइस। Really nice. Okay, तो एक बार एक नॉर्मल गाना चलाओ, 6 सेकंड कर करके हम सुना सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक है अगर कॉपीराइट आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं। ओके ओके ओके, कान का ईयर ड्रम्स गया मेरा। ओके फाइन, this is it, this is how the setups are being done. So I would request everyone to please come over once, get your wiring sorted by us, because seriously we also didn't knew that SCB wirings hoti hai, SCB technique isse apna output aur bhi acha ho sakta hai. To agar aapka setup bhi acha kiya hua, aapko alag se installation kiya hua, aapko wapas se wiring karwani hai, aap ek bar wiring karwa lo and special wiring karwao jo hum log karte hain, lifetime aapki audio sorted ho jayegi. तो आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है सर? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आप हमें भी फॉलो करिए, आप इसको भी फॉलो करिए, आपको रोज नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रोज नई कंटेंट मिलेगी। आईडी बता दो। यूजर आईडी है gaurav_autozoom। ओके, एंड मेरा यूजर आईडी है invalid_user_name404। एज ऑलवेज आई एम एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, बाय बाय।